हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। वीडियो में आपको बताऊंगी अरबी के पत्तों की सब्जी कैसे बनाई जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आज आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने ले लिए हैं अरबी के पत्ते, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके बिल्कुल बारीक कट कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ ले लिया है एक बाउल मैंने बेसन, ये लिया है 400 ग्राम ऑयल, यहाँ लिया है 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर। यहाँ लिया है लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, 5-6 लहसुन की कलियां और एक अदरक का टुकड़ा लेकर मिक्सर में अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया था। यहाँ मैंने लिए है 5-6 हरी मिर्च, इसको मैंने अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया है। ये है थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 5-6 लौंगे, 8-10 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें अरबी के पत्ते डाल लिए और साथ में हरी मिर्च भी ऐड कर ली है इसमें। अब हम इसमें बेसन को ऐड करेंगे। देखिए हमने इसमें बेसन डाल दिया है। अब जो हमने गरम मसाले का पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर देंगे इसमें। अब हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे, 1 टेबल स्पून नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे पूरा। ये 1.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, इसको भी ऐड करेंगे हम पत्तों में। देखिए हम इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे पूरा। इसको इस तरीके से गोल गोल लंबा लंबा कर लेंगे। अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको इस तरीके से ले लेंगे हाथ पर, ऐसे गोल गोल करते रहेंगे। और इसको एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए ये मेरे एकदम, मैंने इसको इस तरीके से बना लिया है, इसको शेप मैंने गोल गोल और लंबी लंबी दे दी है। अब इसको साइड में एक प्लेट में रख देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, गैस को ऑन करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक बड़े भगोने को रख लिया है और ये इसमें मैंने पानी भर लिया है और पानी को हम बॉईल करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक बड़ी चलनी को रखेंगे, कर दूंगी इस तरीके से। देखिए ये मैंने तीनों अपने चलनी पर रख लिए हैं और मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए इसी तरीके से भाप में गलने दूंगी और इसके ऊपर हम एक प्लेट ढक देंगे और 20 मिनट का इंतजार करेंगे। देखिए हमने इसको गैस से उतार लिया, ये हमारे अच्छे तरीके से गल गए। अब हम इसको एक प्लेट में ले लेंगे, इसे कट कर लेंगे। देखिए अब मैंने ये सभी काट लिए हैं और मैंने इसको पकौड़े की शेप दे दी है, देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं ये। मसाला ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला एकदम अच्छे से ये भून गया है, इसका ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब इसके अंदर हम अपने पकौड़े ऐड कर लेंगे, देखिए जो हमने फ्राई किए थे, एक एक करके सब इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने सारे पकौड़े अपने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिए हैं मसाले में। अब इसको हम 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे खुला। देखिए हमने इसको मसाले में 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं ये। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा शोरबा बन जाए। अब इसमें एक उबाल लगाएंगे। देखिए अब हमारा इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको दम कर देंगे 2-3 मिनट के लिए प्लेट ढककर, देखिए इस तरीके से, ताकि हमारा ऑयल जो है वो सरफेस पर आ जाए।
अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमारा ऑयल एकदम सरफेस पर आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारे ये पत्तों की सब्जी एकदम रेडी हो गई है बनकर। अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। हमारे अरबी के पत्तों की सब्जी एकदम तैयार हो गई है। गांव में इसे कुछ लोग पतोड़े भी बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और एकदम ये रेडी हो गई है। देखने में कितनी यम्मी लग रही है ये, खाने में भी बहुत ज्यादा अच्छी है ये। आप इसको चपाती, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी होती है ये। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो मुझे लाइक जरूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।